अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, गमों परेशानियों और बीमारियों तकलीफ़ों से अल्लाह मियाँ बचाए, अपने सामान में रखें। मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। मौसम देखें, बादल भी है, रात को भी काफ़ी बारिश हुई है, तो अभी ज़रा सी धूप निकली हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है थोड़ा सा, लेकिन मेरा तो बुरा हाल है पसीने से, वैसे ही हालत है मेरी भी। आज मैं खुश भी हूँ कि आज मेरे पोतियाँ पोते वापस आ रहे हैं नानी के घर से, ज़रा रौनक हो जाएगी। गाड़ी में बैठा है तो मैं आपके साथ दिन भर की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैंने मेरे पोते, बड़े पोते की कल बर्थडे थी, तो बर्थडे तो नहीं मना रहे, लेकिन ये कि मैं उसके लिए ने मैंने केक बेक करने के लिए रखा हुआ है, वो भी है। वो आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, चिकन की है, दही वाली चिकन बनाऊँगी अभी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो अभी ये मैंने पतीले में ही केक पैक करने के लिए रखा हुआ है। फूल गया, देखें अब कलर आना इसका बाकी है, ज़रा सा अंदर से पक जाए फिर बंद करती हूँ चूल्हा। तो आप दिन भर मेरे साथ रहें। जी मैंने रोहान के लिए केक बना लिया है, जैसा मुझे डेकोरेट करना आता था मैंने कर लिया। खुश हो जाएगा मेरा पोता केक देख के, ऊपर रोहान लिखा है इसका नाम, और डिज़ाइनिंग की है, कैसी बने। जी मैं दोपहर के लिए खाना बनाने लगी हूँ। ये चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसमें मैंने एक कप यानी एक पाव के बराबर दही डाला था, और बीच में मसाले डाले थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और मसालों में हल्दी, कुटी मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, साबुत धनिया यानी कुटा हुआ धनिया, और काली मिर्च डाली थी, नमक हसब ज़ायका डाला था, और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। अभी मैं इसको बना रही हूँ, तो ये मैंने इसके लिए चॉप किए हुए प्याज और टमाटर वगैरह छोटे छोटे किए हुए हैं, बिल्कुल चॉपर में किए हुए हैं, और ये मैंने ऑयल डाला हुआ है पतीले में, और साथ वो लहसुन किया हुआ है डाला है। तो अभी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और बनाते हैं फिर। हाँ जी मैं इसको सुरख कर रही हूँ लहसुन को, फिर इसमें मैं ये प्याज टमाटर वगैरह डालूँगी जो मैंने चॉप की हुई है। ज़ीरा भी डालना था, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो निकाल रखा हुआ है ना लड़कियों ने, एक भी घर में नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे मिल नहीं रहा ज़ीरा, बड़ी नहीं कहीं संभाल के रखा हुआ होगा, उसकी बोतल में नहीं है, मैं शायद ख़त्म हुआ हो, कुछ कह नहीं सकती, काफ़ी दिनों से मैंने कुकिंग नहीं की ना, तो इसलिए। इसमें अभी मैं ये डालती हूँ प्याज वगैरह, इसको भूनूंगी, उसके बाद इसमें चिकन डालूंगी। मसाला भुन चुका है जी, अभी इसमें मैं चिकन शामिल करूंगी।
दो तीन घंटे इसको मैरिनेट करके छोड़ें। मैंने तो दरअसल रात को ही फारक थी तो मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था, वैसे मैं दो तीन घंटे मैरिनेट करके छोड़ती हूँ तो फिर सही हो जाता है, लेकिन ये मैंने रात को ही लगा दिया था मसाला, अकेली हूँ समझ नहीं आती। फिर रात को लगा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, तो इसमें तो अच्छी तरह मसाला धस चुका है, अब इसको भूनूंगी इसमें। सालन तैयार हो चुका है, गरम गरम उसको हाथ लगा दिए मैंने, सालन तैयार हो चुका है जी। मेरे पोतियाँ पोते भी वापस आ गए हैं, अभी जाके नीचे गेट खोलती हूँ, उनकी कॉल आई है कि हम लोग पहुँच आए हैं, तो उनको जाके गेट खोलती हूँ पीछे से। गेट खोल दिया है जी, अभी पहुँचे नहीं हैं, धूप सख्त है, कभी धूप आ रही है कभी बादल। ये देखिए मेरी बेलें, फ्रेंच बीन की बेल है, कद्दू की है, कोई ख़ास नहीं है। ये देखें जी हरी मिर्चें इसके साथ से उतारती हूँ, माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी हरी मिर्चें, ये देखें। ये देखें ये भी कद्दू की बेल है, ये टमाटर है जी। अभी हम खाने, ये रात वाला मैंने जो कल बनाया था आलू गोश्त वो है, ये जो अभी मैंने चिकन तैयार की है वो है, दही वाली और सलाद और रोटियाँ तंदूर की जी। अभी हम खाना खाने लगे हैं, बच्चे भी भूखे हुए हैं तो सफ़र करके आए हैं, तो जिस बहन भाई ने खाना है तो आ जाए। अच्छा ओहो लग जाएगी रुहान, ये इसको रियान बाज आओगे दोनों वापस आ गए हैं जी। अब ये मस्तियाँ और सब कुछ चल रहा है, अब इसने उंगलियाँ डाल ली हैं मुंह में जो हस्बे मामूल, दूसरा मुर्गो अपने चूजों की तरफ चला गया है। लाइट गई हुई है काफ़ी टाइम से, बच्चों ने अपने बैग खोल दिए हैं सेट करने के लिए, सुबह इन्होंने स्कूल जाना है, दो तीन दिन स्कूल जाएंगे तो उसके बाद उनको फिर दोबारा से छुट्टियां हो जाएंगी, तो इनके आने से घर में ज़रा उसकी रौनक होगी। ये लाइट नहीं है, तभी कितने बजे की गई हुई है, लंबी लाइट की हुई है। इसके साथ ही मेरे प्यारे बहन भाइयों आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ने आपको गमों परेशानियों और मुसीबतों बीमारियों से बचाए, अपने सामान में रखे, और आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी,
अल्लाह हाफिज़।